आज हम स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट पैरल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हाट इज द पैरल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो इसको स्टडी करने के लिए डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर दो फिगर ड्रा किया है ज़रा देखा जाए फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पर इस फर्स्ट फिगर में फोर सेल लगे हुए हैं यहाँ पर क्या है फोर सेल लगे हुए हैं जो कि पैरल कम्बाइंड हैं सिमिलरली इस सेकेंड सर्किट में भी क्या है टू सेल लगे हुए हैं ये भी क्या है पैरल कम्बाइंड है तो पैरल कम्बिनेशन होता क्या है एक्चुअली पैरल कम्बिनेशन हम करते क्या हैं सभी सेल के एक पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं जैसे इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है इस पार्ट में इस सभी चारों सेल का ये पॉइंट पर कनेक्ट है सिमिलरली इन सभी चारों सेल के सेकेंड पॉइंट को हमने यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है सिमिलरी सेकंड फिगर में भी देखें दोनों के पास इस सेल के पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट किए हैं और नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं सिंपली यही कम्बिनेशन क्या कहलाता है पैरल कंबिनेशन कहलाता है यानी पैरल कम्बिनेशन क्या है नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनके वन एंड को यानी हम कंसिडर कर लें पॉजिटिव को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और निगेटिव को किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो इस प्रकार का कम्बिनेशन ही पैरल कंबिनेशन कहलाता है तो जैसा डिफिनेशन देखा जाए इफ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड निगेटिव टर्मिनल्स टू अदर पॉइंट सच कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज पैरल कम्बिनेशन तो जैसा कि भी हम फिगर में ही देखे हैं हम इस फिगर में ही देखे हैं ये क्या है ये चारों सेल यहाँ पर क्या है ये पैरल कंबाइंड है इसी प्रकार यह दोनों सेल पैरल कंबाइंड है अब यहाँ पर हम इस फिगर को देखें जरा इस फिगर में क्या दिख रहा है तो इस फिगर में हम देख रहे हैं हमने यहाँ पर यह सर्किट डायग्राम ड्रा किया है यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम ड्रा किया है सर्किट डायग्राम में क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमने थ्री सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है थ्री सेल है जिनके इंटरनल रजिस्टेंस ये थ्री दिखाए गए हैं यह हमारे पास सर्किट का क्या है सेल के थ्री सेल जो हैं इनके पॉजिटिव को हमने पर्टिकुलर पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है और इस सभी सेल के निगेटिव को पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया है और इस कॉम्बिनेशन ए बी को हमने की के थ्रू यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर एक यह कैपिटल आर जो है ये क्या है तो कैपिटल आर है क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में कनेक्ट किया गया हो ये जरूरी नहीं कि सर्किट में हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वायर जो दिख रहा है यहाँ पर सर्किट में जो एक्सटर्नल वायर दिख रहा है इस वायर का भी रेजिस्टेंस हो सकता है सिंपली जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर या किसी भी सब्सटेंस में होता है तो ये जो आर है ये या तो वायर का हो सकता है या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और यहाँ पर की जो लगा है इसका क्या यूज है तो की का यूज है सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए मिस ऑन या ऑफ करने के लिए अब यहाँ पर जो सर्किट दिखाया गया है यहां पर तो हम तीन ही सेल को दिखा रखे हैं थ्री सेल को ही दिखा रखे हैं बट कंसिडर करेंगे सपोज करेंगे यहां पर यंग सेल कनेक्ट हों कितने सेल हों यंग सेल कनेक्ट हों पैरल कॉम्बिनेशन में और सभी का ई कितना हो सभी का ई एम ई हो कैपिटल ई जो हो ई एम एफ मीन्स देयर आर यंग सेल कनेक्टेड इन पैरल एंड एवरी वन हैज ई एम एफ ई कैपल ई सभी की हमारे पास ई एम एफ हो एक चीज़ और यहाँ पर जरा देखा जाए इस सभी सेल का इंटरनल रजिस्टेंस क्या है तो वह इस्माल आर है हमने कंसिडर कर लिया सभी सेल का एक, जो इंटरनल रजिस्टेंस है वो भी आर है इस्मॉल आर एन इक्वल है ठीक एक बात और यहाँ पर जो सेल कनेक्ट हैं सर्किट में अब इक्वलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा इक्वाल ईएमएफ कितना मिलेगा और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है तो यहाँ जरा देखें यहां पर जो सेल कनेक्टेड हैं, ये कैसे कनेक्ट है तो यह सेल कनेक्ट है पैरल कम्बिनेशन में और हम जानते हैं पैरल कम्बिनेशन में जो सेल होते हैं उनकी जो ई एम एफ होती है वो क्या होती है सभी के लिए इक्वल होती है मीन्स यहाँ पर ई है यहाँ भी ई है यहाँ भी है और यन तक लेंगे तो यन ई मिलेगा लेकिन पैरल कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है मीन्स यहाँ पर जो ई एम एफ मिलेगा वह ई e ही मिलेगा सभी के लिए यानी ओवरऑल सर्किट में हमको ई एम एफ ई ही मिलेगा सिंस ऑल द सेल्स आर इन पैरल कॉम्बिनेशन देयर फोर इक्वलेंट ई एम एफ ई क्या हो जाएगा ई एम एफ वन सेल ई के इक्वल मिल जाएगा यानी हमें इस सर्किट में जो हम फिगर देख रहे हैं हम एक और भी फिगर देख सकते हैं इस फिगर से भी देख सकते हैं क्या है यहाँ भी सेल हमारे पास कनेक्ट है ठीक तो सभी का जो हमारे पास यहाँ पर ई एम एफ ई ही है लेकिन इक्वलेंट भी हमको कितना मिलेगा ई ही मिलेगा मीन्स यहां पर जो हमको या वन सेल होगा ई उतना ही भी हो जाएगा। बट यहां पर जो सर्किट हमारे पास स्मॉल आर है क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कैसे कनेक्ट है पैरल कंबिनेशन में है तो पैरल कंबिनेशन में इक्वलेंट रेजिस्टेंस इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इफ आर इक, क्यू हमने कंस्टिड किया आर इ क्यू विध नेट इक्ट इंटरनल रजिस्टेंस इक्वालेंट इंटरनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना होगा जैसा कि हम जानते हैं कि पैरल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके सम किया जाता है तो आर वन अपन आर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यानी इक्वालेंट जो मिलेगा यानी इक्वलेंट ऑफ Upon, यानि हमें क्या मिलेगा यानि या मिलेगा यानि यहां पर हम क्या कहें? R निकालेंगे, तो R, किसके ये मिल जाएगा हमको आर इक्ट इक्वल टू आर अपान यन तो क्या हमने लिखा हमें ई एम एफ मिल गया इतना और इतना रजिस्टेंस मिल गया इतना रजिस्टेंस मिल गया लेकिन 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 सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी कनेक्ट है तो फिर क्या होगा इस रेजिस्टेंस को भी सम करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कहें या नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा Therefore, नेट रेजिस्टेंस सर्किट क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आर अपानियन ये वैल्यू वे, यहां से आर अपानियन और प्लस आर एक्सटर्नल सर्किट का यानी हमको मिल गया क्या नेट रेजिस्टेंस आर अपान प्लस आर मिल गया ये हो गया नेट रेजिस्टेंस ठीक अब क्या करना है अब हमें सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड आउट करना है तो सिंपली जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसे हम ओम्स ला से आई इक्वल टू अपान आर के फार्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं डियर फोर करंट इन द सर्किट सर्किट में क्या मिल जाएगा तो यह करंट हम सिंपली यूज करेंगे यहां पर क्या ओमसला तो करंट आई इक्वल टू क्या नेट ई एम एफ कह पोटेंशियल डिफरेंस तो यही तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू भी अपान आर ठीक तो यहां पर भी क्या नेट ई एम एफ मिल जाएगा और आर क्या हो जाएगा आर की जगह पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो यहां पर करंट वैल्यू क्या हो जाएगी आई कॉल टू तो नेट ई क्या है? यही रहेगा और टोटल रेजिस्टेंस कितना था आर अपान प्लस आर था। अब यहां से क्या हम इसे करेंगे तो यहां एक से आर से, और दूसरा कहां यहां में चला जाएगा, तो हमें फार्मूला यह मिल जाएगा तो हमारे पास जो सर्किट में नेट करंट फ्लो हो रही है सर्किट में जो करंट फ्लो रही है वो क्या हो जाएगी एन ई अपान आर प्लस एन हमारे पास क्या मिल जाए इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रही है अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला दिख रहा है इस फार्मूले से हम कुछ केस फाइंड आउट करते हैं तो देखा जाए केस क्या हो सकता है केस वन केस वन हमने कंसिडर क्या कर लिया इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर यानी यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस्माल आर है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू है अगर वो बहुत स्मॉल हो इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहां पर जो सर्किट में है यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस स्मॉल आर कंपेरिजन में अगर बहुत बड़ी हो जाए वेरी वेरी लार्ज हो जाए तो क्या वैल्यू मिलेगा तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी तो हमें करंट वैल्यू क्या मिल जाएगा आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर अरे सिंपली हमारे पास आई इक्वल टू फॉर्मूला ही तो था क्या यह था E अपान आर अपान प्लस आर इसको जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया निग्लेक्ट कर दिया तो यह ये तो क्या होगा यह एन जाएगा ही जाएगा तो ई और यह हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा फॉर्मूला यही हमारे पास आई इक्वल टू यन ई अपन एन आर मिल गया तो क्या होगा एन से n कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें और हमें यह फार्मूला मिल जाएगा क्या I कॉल टू ई अपॉन आर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी क्यों क्योंकि इस केस में हमने इंटरनल रजिस्टेंस की वैल्यू को निगलेक्ट किया है यह एक्सपेरिमेंट में निगलेक्ट नहीं हो सकता है ये तो हम कैलकुलेशन में निगलेक्ट कर दिए हैं क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में निगलेक्ट किया जा सकता है ये बात ध्यान रहे इसके पहले भी हम सेल के बारे में जब पढ़ाए थे सेल के बारे में स्टडी किए थे तो वहाँ भी बताए थे कि कभी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है तो यहां पर हमने निगलेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू अप्रॉक्सिमेट लिया जाएगा नॉट एग्जैक्ट इसलिए वहां पर वर्ड हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है ठीक यानी क्या कंक्लूजन निकल रहा है कंक्लूजन ये निकल रहा है जितना एक सिंगल सेल से ई मिलेगा ई e, और यहां पर जो करंट मिलेगी आई उतना ही यहां पर अगर पैरल कॉम्बिनेशन कर दिया गया है कौन से केस के लिए वेन स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर तो हमें इस प्रकार कनेक्शन से कोई एडवांटेज नहीं दिख रहे हैं क्या क्योंकि तो उतना ही हमें करंट मिल रहा है जितना एक सिंगल सेल से मिल जाएगा दैट इज द टोटल करंट विल बी इक्वल टू द करंट गिवेन बाय ए सिंगल सेल हैंस देर इज नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सेल्स ऑफ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरल यानी इसका कोई एडवांटेज नहीं है यानी हम यहाँ पर एक सिंगल सेल का यूज कर लें या नंबर ऑफ सेल का यूज़ करेंगे अगर इस कंडीशन का यूज करते हैं इस कंडीशन का यानी स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर यानी इंटरनल रजिस्टेंस वे बहुत स्मॉल हो जाए इन कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल रजिस्टेंस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको कंबाइन करने के लिए सेल को कोई एडवांटेज नहीं है हम चाहें तो सिंगल सेल का यूज करके ही उतना ही करंट पा सकते हैं केस टू देखा जाए केस इफ स्मॉल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यानी यहां पर क्या कर रहे हैं उल्टा जस्ट अपोजिट कर दिए केस वन का अपोजिट कर दिए क्या मींस इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी वेरी लार्जर देन एक्सटर्नल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो उस केस में हमें करंट वैल्यू क्या मिलेगी तो तो इस केस में करंट वैल्यू हमको क्या मिलेगी आई क्वल टू यन ई अपान आर यानी इस केस में क्या होगा हम कैपिटल आर को जब निगलेक्ट कर देंगे तो फिर मिलेगा क्या अरे सिंपली फॉर्मूला ही तो है आई क्वल टू ई अपान आर अपान एन प्लस आर कैपिटल आर इसको निगलेक्ट कर देंगे तो यह एन कहाँ चला जाएगा यह नोमरेटर में चला जाएगा और हमें यह फार्मूला मिल जाएगा यह यह फार्मूला मिल जाएगा ठीक बट ये भी क्या होगा अप्रॉक्सीमेट ही होगा क्यों क्योंकि हम कैपिटल आर की वैल्यू को निगलेक्ट कर रहे हैं निगलेक्ट करने का सेंस क्या है निगलेक्ट करने का सेंस यह है हम यहाँ कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं एक्चुअल कोई भी हमारे पास कंडक्टर या कोई भी वायर नहीं है या कोई भी सबस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो जो सर्किट को हम बना रखे हैं सर्किट को कनेक्ट कर रखे हैं जो वायर का यूज करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल रजिस्टेंस तो होगा ही तो इसलिए वैल्यू जीरो एग्जैक्ट नहीं हो सकती है इसलिए यहाँ भी जो वैल्यू मिल रही है करंट की वैल्यू वो हमें अप्रॉक्सिमेट मिल रही है बट इन दिस केस क्या मिल रही है ई अपन आर यानी एक सिंगल सेल्स जितना हमको ई मिलेगा सिंगल सेल्स जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी उसके कंपरेजर में यानी

पैरल यानी इस प्रकार के कंडीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे पास इस्माल आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर हो जाए कैपिटल आर से यानी एक्सटर्नल जो सर्किट में करंट यानी एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाए तो इस प्रकार का कम्बिनेशन पैरल कम्बिनेशन बहुत ही यूजफुल है इनके बहुत ही एडवांटेज हैं और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं यन टाइम्स करंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आ सकते हैं इन कंपेरिजन टू वन सिंगल सेल थैंक यू